सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेविल गेमर। में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनलिमिटेड कॉबलस्टोन कैसे लगते हैं। उसके पहले एक क्लिप देखिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड कॉबलस्टोन जनरेट हो रहे हैं और फिर होते ही जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम यहाँ पे जाने वाले हैं हमारे चेस्ट में। मैंने वहाँ पे सब सामान लिस्ट बना के रखी है, देख सकते हो आप। अभी यहाँ पे आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया है थिंग्स वी नीड, और फिर हमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। 14 ब्लॉक्स आप कोई भी ले सकते हो आप, और 1 स्टिकी पिस्टन, 10 पिस्टन, 17 रेड स्टोन डस्ट, 1 रेड स्टोन ब्लॉक, 1 लीवर, 1 लावा बकेट एंड 1 वाटर बकेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क। तो हमें कौन सा बिल्ड ले लेना है, और याद रखिएगा कि आपको वुडन प्लैंक्स नहीं लेने हैं, वरना वो लावा के वजह से जल जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें स्टोन ब्रिक्स के ऐसे रखने हैं, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1, 2, और एक ब्लॉक छोड़ के 1, 2, 3 वापस वही स्ट्रक्चर बना देना है हमें, और फिर वापस 1, 2 और 1, 2। और फिर हमें बाद में यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन रख देना है। याद रखिएगा, स्टिकी नॉर्मल पिस्टन नहीं, सिर्फ स्टिकी पिस्टन लेना है, और उसका फेस क्यों यहाँ पे होना चाहिए। तो हम बाद में हमें यहाँ पे पिकेक्स ले लेनी है, और फिर हम यहाँ पे एक ब्लॉक डिक दोनों साइड में कर देंगे, मीन्स वन साइड में कर देंगे कुछ ऐसे। तो फिर हमें यहाँ पे जो डिक क्या है वह पोर्शन है, उसमें हमें वाटर डाल देना है, और उसके अपोजिट साइड में हमें लावा डाल देना है। तो हमारा इतना काम हो गया है। फिर हमें यहाँ पे कॉबलस्टोन भी जनरेट हुआ है, और फिर यहाँ पे हमें पिस्टन, सादे वाले पिस्टन डाल देने हैं, हम कितने भी डाल सकते हैं। और फिर लास्ट वाले पिस्टन के सामने हमें एक ब्लॉक डिक कर देना है, और फिर वो जो ब्लॉक डिक किया है उसमें हमें रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है कुछ ऐसे। और फिर उसके बाजू में हमें 1, 2 एंड 3 रेडस्टोन डस्ट डाल देने हैं, और फिर पिस्टन के भी पीछे हमें रेडस्टोन डस्ट डाल देनी है। तो ये काम, आधा काम हमारा हो गया है हमारा अनलिमिटेड कॉबलस्टोन का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और फिर पिस्टन के पीछे हम यहाँ पे 3 रेडस्टोन लगा देंगे, और फिर पिस्टन के आगे हम एक रेडस्टोन ब्लॉक लगा देंगे, और फिर ये वाला ब्लॉक तोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर भी एक रेडस्टोन लगा देंगे। फिर हमारा वर्क चालू हो गया होगा। फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन जनरेट हो गए हैं, और फिर ऐसे ही ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना भाइयों। तो फिर देख सकते हो आप कितने सारे कॉबलस्टोन जनरेट हो रहे हैं। ये आप कॉबलस्टोन अपने घर के लिए या फिर अपने वेपन्स भी बना सकते हैं इससे। तो और एक वार्निंग है आपके लिए कि ये जो लीवर है वो बंद कर दीजिएगा, और ये और इसका एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है कि ये अगर हम गेम बंद करेंगे फिर भी ये चालू ही रहता है। तो याद से ये बंद कर देना। और इस वाले वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।